मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चूड़ामणि कृत विधुर बलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। ओम नूतना जलधर रुचये गोपवधूटे दुकूल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार मोहि रुहस्य बीजाय। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट। आपका चल रहा है अभाव का लक्षण, है ना? क्या चल रहा है? अभाव का लक्षण। अभाव का लक्षण क्या हुआ? द्रव्यादि षटक द्रव्यादि षटक भिन्नत्व। हाँ ऐसा आया द्रव्यादि षटक अनन्या भावोत्तम। ये कहो अभाव का लक्षण हुआ द्रव्यादि षटक अनन्या भावोत्तम। हाँ ये पूरे चार अभाव में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा लक्षण भाव भिन्नत्वम। दूसरा लक्षण क्या है? भाव भिन्नत्वम। ये भी लक्षण होता है, ठीक है। हाँ दिनकर में है। और अभाव के भेद कहा यहाँ पर संसर्गाभाव और क्या है अनन्य भाव, ठीक है। हाँ अनन्य भाव कितने प्रकार का है? एक प्रकार का है अनन्य भाव, है ना? ये अनन्य भाव जो एक प्रकार का है तो उसका विभाग नहीं होगा। तो अनन्य भाव का लक्षण हुआ क्या? तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता का अभाव। ये किसका लक्षण हुआ? अनन्य भाव का लक्षण। और संसर्ग भाव का लक्षण क्या हुआ? संसर्ग भाव का लक्षण क्या हुआ? अनन्य भाव भिन्ना भाव भावत्तम। ये हुआ ना? क्या हुआ? अनन्य भाव भिन्ना भावत्तम। अनन्य भाव से जो भिन्न अभाव हो जाएगा संसर्ग भाव हो जाएगा, हो गया। और उसी संसर्ग भाव का भेद तीन का है, प्राग भाव प्रधंसा भाव और अत्यंता भाव, ठीक है। तो प्राभाव का लक्षण क्या हुआ? विनाशित्य सति अभावोत्तम। विनाशित्य सति अभावोत्तम हो गया। और प्रधंसा भाव का लक्षण जन्यत्य सति अभावोत्तम हो गया। और अत्यंता भाव का लक्षण अभी आ रहा है, ये हो गया ना? नित्य संसर्गा भावत्तम अत्यंता भाव अभावत्तम। ये हुआ किसका लक्षण? अत्यंता भाव का, है ना? मतलब नित्यत्व सति संसर्गा भावत्तम, ठीक है। संसर्ग भाव कितना होते हैं? तीन, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, है ना? केवल नित्यत्व कहेंगे तो अतिव्याप्ति होगी, काल आदि में अतिव्याप्ति होगी, नहीं? और केवल संसर्ग भावत्व कहेंगे तो अतिव्याप्ति होगी ना? कहाँ पर चला जाएगा? प्राग भाव और प्रधंसा भाव में लक्षण जाएगा। आ गया? इसलिए दोनों पद हुआ। और आपके तर्क संग्रह में क्या लक्षण है?
तर्क संग्रह में क्या लक्षण है? हाँ बोले, ठीक से बोलो। अत्यंता भाव का लक्षण त्रिकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्म, ये हुआ लक्षण। क्या लक्षण हुआ? त्रिकालिक संसर्गावच्छिन्न त्रिकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्म हुआ ना, ऐसा ऐसा है। चलो ये लक्षण भी संक्षेप से अच्छा है। नित्यत्व सति संसर्गाभावत्म, ठीक है, जो नित्य हो और क्या हो, संसर्गाभाव हो, वही हो गया अत्यंत अभाव। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब कहते हैं देखो, अत्यंता भाव यदि नित्य है, अत्यंता भाव यदि नित्य है तो घर जिस समय नहीं है भूतल में, अत्यंता भाव है। अरे घर यदि ले आया, घट रख दिया भूतल में, अत्यंत भाव नष्ट हो गया। क्या बोलिए? अच्छा, लेकिन क्या, हाँ कि नहीं, इतना बोलो ना। घट रख दिया तो अत्यंत भाव नष्ट हो गया, हाँ कि नहीं, बोलिए ना। कहाँ कैसे नष्ट हो गया? अत्यंत भाव तो नित्य है, कहाँ नष्ट हुआ? नहीं हुआ ना, घट रख दिया, हाँ, रखने पर भी अत्यंत भाव तो नित्य कहते हो, है कि नहीं? तो नित्य यदि है भूतल में तो घटो नास्ति ऐसी प्रतीति होनी चाहिए नहीं? किस समय पर? घट रख देने पर, है ना, उस समय घट रखने पर भी घट का अत्यंत भाव है वहाँ पर, तो उसकी प्रतीति होनी चाहिए, प्रमा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन होता है भूतले घटो नास्ते, नहीं होता है ना, ऐसा प्रमा ज्ञान नहीं होता है। ऐसा प्रमा ज्ञान जब नहीं होता है तो अत्यंत भाव को नित्य कैसे कहोगे? शंका बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, यही यहाँ पर कह रहे, इसका उत्तर दिया जा रहा है। देखो हालांकि इसका उत्तर पहले भी हुआ है स्वरूप संबंधों को लेकर के, नहीं, ठीक है ना, यही बात कह रहे। देखो यत्र पढ़ो, यत्र तो अपसारितम पुनरानितम च तत्र घटकालस्य संबंधा घटकत्वात् अत्यंताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटात्यंताभावबुद्धिः। ये उत्तर दे रहे, देखो क्या है, यत्र तो जहाँ पर, कहाँ पर, भूतलादौ मतलब अधिकरण में, ठीक है, घटाधिकम, पहले घट था, घट को क्या कर दिया, हटा दिया, है कि नहीं, हटा दिया ना, और फिर अपसार मतलब हटा दिया और फिर क्या रख दिया, पुनरानितम च, हो गया ना। तत्र उस भूतल में मतलब जिस समय घट है, क्या, जिस समय घट है ना, उसी भूतल में घट कालस्य, सुनते हैं है? तो जो घटकाल है वो संबंध के अंतर्भुक्त नहीं है। घटाभाव का संबंध, घटाभाव का भूतल में घटाभाव है कि नहीं, है ना, किस संबंध से रहेगा, स्वरूप संबंध से। तो घटाभाव का जो स्वरूप संबंध है वो स्वरूप संबंध क्या है, पीछे गया था, क्या गया था, देख लो क्या गया था, बोलो, मूल में था ना, बोलिए, तत्त, हाँ देख कर बोलो क्या था, तत्त्कालीन तत्त भूतलादिकम तत्त अभावानां संबंध, यही स्वरूप संबंध है।
तत्कालीन का अर्थ क्या था? अभाव अभाव प्रमाकालीन, जिसमें घटाभाव बुद्धि होती है। सुनते हैं, भूतले घटो नास्ति, क्या भूतले घटो नास्ति, ऐसी जो प्रतीति हो रही है, हाँ तत्कालीन भूतल को लीजिए और तत्त भूतल को ले लो। मतलब तत्त भूतल मतलब क्या हुआ, जिस भूतल में घटाभाव के बुद्धि हो रही है उसी भूतल को लेना है कि नहीं, और जिसका अभाव का ज्ञान हो रहा है उसी का संबंध होगा। सबका संबंध नहीं है, सभी अभाव का संबंध होगा, जिस अभाव की प्रतीति हो रही है उसका संबंध होगा, वो कौन होगा? तत्त कालीना भूतल आदि है, और तत्त भूतल आदि होगा। समझ में आया, हो गया ना? ये होता है स्वरूप संबंध। किसका है? भगवान चैतन्य किसका संबंध? अभाव का, है ना, उसको स्वरूप संबंध कहा जाएगा। कोई भी संबंध को स्वरूप संबंध नहीं कहा जाता है। आगे समझ में, इसलिए है ना, घट को रख दिया, जिसमें घट को रख दिया उसमें घटाभाव की बुद्धि होती है। क्या कह रहे हैं, कहाँ होती है घटाभाव की बुद्धि? घट को रख दिया तो घटाभाव की बुद्धि कहाँ होती है? लो, जिस समय घट रख दिया तो हाँ भूतले घटो नास्ते बुद्धि होती है क्या? कहाँ बुद्धि होती है? भूतल में घट को रख दिया तो हाँ भूतले घटो नास्ते बुद्धि होती है, नहीं होती है ना? तो वही काल हुआ, किस काल को लेना है? जिस काल में घटाभाव की बुद्धि होती है उसी काल को लेना है। आ गया कि नहीं? हाँ ठीक है, हाँ घटाभाव की बुद्धि जिस समय होती है उसी काल को लीजिए, वो हाँ वो संबंध के अंतर्भूत होगा। तत्तत्कालीन भूतलादि हुआ गया ना संबंध, क्या कहा? तत्तत्कालीन भूतलादि, ये हो गया संबंध। किसका? अभाव का। कौन सा संबंध हुआ? स्वरूप का। क्या आकार हुआ? तत्तत्कालीन भूतलादि का। तत्तत्कालीन मतलब क्या हुआ? कौन सा प्रमा, कौन सी प्रमा? हाँ ऐसा बोल रही है ना, हाँ अभाव प्रमा कालीन भूतलादि का, ये हो गया संबंध। क्या हुआ बोले? अभाव प्रमा कालीन भूतलादि, ये हो गया संबंध। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो जो घटकाल है मतलब जिस समय घट है वो संबंध के अंतर्भुक्त हुआ नहीं हुआ ना? तो जिसमें घट रख देंगे तो घटाभाव की बुद्धि तो होती नहीं है, लेकिन ये घटकाल जो हुआ मतलब जिस समय घट है उसको कहें घटकाल। वो जो घटकाल है संबंध के अंतर्भुक्त हुआ नहीं हुआ ना? आज समझ में नहीं, यही बोलते हैं यहाँ पर। देखो तत्र, देखो पंक्ति तत्र, तत्र मतलब कहाँ? उसी भूतल आदि में, ठीक है, मतलब जिस समय घट रख दिया उसी भूतल आदि में, जिस भूतल में घट रख दिया उसी भूतल में, है ना, घटकाल है कि नहीं? उसमें घटकाल उस संबंध के अंतर्भूत हुआ नहीं हुआ ना? ये कह रहे, देखो घटकालस्य, पढ़िए घटकालस्य संबंधा घटकत्वात्, ऐसा पढ़ने है क्या? संबंध अघटकत्व, विच्छेद न करो, संबंधा घटकत्व, हाँ हाँ संबंधा घटकत्वात्, मतलब संबंध का घटक वो नहीं है, घटक मतलब प्रविष्ट, हाँ और अघटक अर्थ क्या? अप्रविष्ट। संबंध में हाँ अघटक, संबंध में प्रविष्ट नहीं है, कौन नहीं है? घटकाल। आ गया, आ गया रामेश्वर। हाँ रामेश्वर, समझ में आया?
समझ में नहीं आ रहा है जो कि घटकाल। हाँ तो काय को मौन रहते हो, फिर मौन क्यों रहते हो बिहार में रह करके, है ना? मौन क्यों है फोर, बोलना चाहिए ना भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो पूछना चाहिए ना। ए हाँ, इसलिए मुझे संदेह था ना कि रामेश्वर को नहीं समझ में आ रहा होगा। भाई घटा भाव है, सुनो, घटा भाव हो कोई भी अभाव हो, घटा भाव अपने अधिकरण में किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंध किसको कहा जाएगा? पीछे क्या था आपका, पीछे क्या था है? तत्तत्कालीनम तत्तद् भूतलादिकम एव तत्तद् अभावानम संबंध, समवाय के निरूपण में गया अंतिम पंक्ति, मिली तुमको? जी जी गुरु जी। हाँ क्या है बोलो जोर से फिर। तत्तत्कालीनम तत्तद् भूतलादिकम एव तत्तद् भावना संबंध, तत्तद् अभावानम, भावानम नहीं, तत्तद् अभावानाम संबंध है कि नहीं? तत्तद् अभाव कहने से जिस अभाव की प्रतीति हो रही उसी अभाव को लो, पहले भूतले घटो नास्ते है, ये हो गया घटाभाव, तत्तद् अभाव का अर्थ हुआ इसका संबंध है स्वरूप संबंध होगा है, क्या संबंध होगा? स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध क्या हुआ? तत्तत्कालीना, तत्तत्कालीन का अर्थ क्या हुआ? जिस समय पर अभाव की बुद्धि हो रही है तत्कालीना, अभाव प्रमाकालीना जो भूतल लेना है, है कि और तत्तद् भूतल मतलब जिस भूतल में घटाभाव की बुद्धि हो रही है उसी भूतल को लो। संसार ब्रह्मांड में तो बहुत सारे भूतल है, कोई संबंध नहीं होगा, उसी को स्वरूप नहीं कहा जाएगा, आगे समझ में? इसलिए तत्तत्कालीना जिस समय पर अभाव की प्रमा बुद्धि हो रही है ना, अभाव प्रमा कालीना और तत्तद् भूतलादिकम, जिस भूतल में घटाभाव की बुद्धि हो रही है ऐसे भूतल को लेना है, ऐसे भूतलादि को लेना, वो हो जाएगा स्वरूप संबंध, उस भूतलादि को ही संबंध कहा जाएगा। किसका? अभाव का, उसको कहेंगे स्वरूप संबंध। आ गया ठीक है रामेश्वर, ये स्वरूप संबंध कहा तो इसलिए जब घट रख दिया, घट जब रख दिया है तो तो स्वरूप संबंध हुआ नहीं हुआ ना, है तो अभाव की बुद्धि, अभाव की बुद्धि नहीं है, ये अभाव प्रमा काल को लेना है, है कि नहीं? घट रख दिया तो अभाव बुद्धि नहीं हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? ये संबंध वहां पर नहीं, ये बोलते हैं यहाँ पर। इसलिए घटकाल जो है मतलब घटकाल मतलब जिस समय घटो अस्थि ऐसी जो बुद्धि हो रही है उसी काल हो गया घटकाल। ये जो घटकाल है ये स्वरूप संबंध के अंतर्भुक्त नहीं आया, नहीं हुआ है कि नहीं? इसलिए संबंधा अघटकत्व, संबंध मतलब कौन? स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध क्या हुआ बोले? हाँ उसको याद करना। हाँ बोले, हाँ तत्तत्कालीनम तत्तद् भूतलादिकम, ये हो जाएगा स्वरूप संबंध हो गया है कि नहीं है? इसलिए घटकाल जो हो गया है तो ये संबंध में प्रविष्ट हुआ नहीं हुआ, अभाव का जो स्वरूप संबंध है उसमें वो अघटक हो गया, प्रविष्ट नहीं हुआ, कौन? घटकाल। आगे समझ में है ना? इसलिए इसलिए घटाभाव की प्रतीति नहीं होती है, घटाभाव की प्रतीति नहीं होती है। घटाभाव होने पर भी जिस समय भूतल में घट रख दिया वहाँ उसी समय भी घटाभाव है, नित्य तो है इसलिए है वहाँ पर, फिर भी उसकी प्रतीति नहीं होती क्योंकि संबंध नहीं है। आगे ये इनके इन लोगों की युक्ति है, ये बोल रहे देखो, अत्यंताभावस्य नित्यत्वेऽपि, अत्यंत भाव नित्य होने पर भी, सुनते ना भाई, घटकाले है ना, न और क्या बोलो, न घटात्यंत भाव बुद्धि,
घट के अत्यंत अभाव की बुद्धि नहीं होती है, समझ में ना। हाँ ऐसा है, क्योंकि संबंध तात्पर्य ये निकला, संबंध न होने से ही, स्वरूप संबंध न होने से ही घट लाने के बाद घटा अत्यंत अभाव बुद्धि नहीं होती, ये तात्पर्य हुआ। आ गया, ठीक है, ये है सिद्धांत। और कुछ लोग मानते हैं इसके ऊपर, देखो समाधान तो हो गया, जो शंका थी ना, शंका का समाधान तो हो गया कि संबंध न होने से घटाभाव की बुद्धि नहीं होती है, हो गया ना। हाँ, अब कुछ लोग मानते हैं ऐसा, तत्र देखो क्या लिखते हैं, तत्र उत्पाद विनाशशाली चतुर्थो अयम अभाव इति केचित। देखो संसार का अभाव कितना है, तीन है ना, क्या क्या है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंत भाव, ये होगा संसार का अभाव, ये तो प्रसिद्ध है, ये हो गया ना। लेकिन ये बोलते हैं ये जो अभाव है, घट को रख दिया और फिर घट को हटा दिया, है कि नहीं, घट नहीं था और घट को फिर ला दिया, फिर हटा दिया, फिर लाया, है ना। ऐसे स्थल पर यहाँ पर एक अभाव जो होता है, हाँ, ये तीनों से अतिरिक्त अभाव है। इसको प्रागभाव भी नहीं कह सकते, इसको प्रध्वंसा भाव भी नहीं कह सकते, और इसको अत्यंत भाव भी नहीं कह सकते। कौन कह रहा है, क्योंकि अत्यंत भाव तो नित्य है, और ये अभाव क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है ना, ये हाँ। घट रख दिया तो क्या हो रही है, घट की प्रतीति हो रही है, अभाव की प्रतीति हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना। हाँ, घट को हटा दिया तो अभाव की प्रतीति हो रही है, इसलिए अभाव उत्पन्न हो रहा है। इसको कौन सा कहेंगे, प्रागभाव कहेंगे, प्रध्वंसाभाव कहेंगे कि अत्यंत अभाव कहेंगे, फिर हाँ तीनों से अतिरिक्त मानना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अनन्य भाव भी नहीं है ये, हाँ है तो संसार का भाव ही है, ये बोलते हैं यहाँ पर। तत्र कल्पना है ये, उत्पाद विनाशशाली चतुर्थ अभाव अयम अभाव। हाँ, ये जो अभाव है ये चौथा है, किसकी अपेक्षा चौथा हुआ, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत अभाव, लेकिन ये तीन तो है ही प्रसिद्ध संसार का भाव, इसकी अपेक्षा से चौथा एक संसार का भाव है, हाँ, जो कि उत्पन्न और विनाशशाली है अभाव। इति केचित, केचित कह करके ये सूचित हो रहा है, इसमें स्वारस्य नहीं है, सहमति अपनी नहीं है, जहाँ पर केचित होगा तो वहाँ पर सहमति नहीं होती है। हाँ, क्यों सहमति नहीं हुई, देखो ऐसा है, जो आपका स्वरूप संबंध है ना, हैं, जो आपका स्वरूप संबंध है अभाव का, हाँ, वो कैसा है, काल विशेष से विशिष्ट संबंध को कहा जाएगा स्वरूप संबंध, क्या काल विशेष से विशिष्ट हो गया ना, तत्तत्कालीन भूतलादिकम कहा कि नहीं, कोई भी काल नहीं, कोई भी काल नहीं, काल विशेष हुआ ना, हाँ तत्तत् है ना, हाँ तत्तत्कालीन बोल दिया ना, इसलिए काल विशेष से विशिष्ट होता है स्वरूप संबंध। ऐसा आपने स्वीकार जब कर लिया, समझ में भूमा चेतन जी, क्या जी, संसार संबंध का होता है ना चौथा, कौन सा, नहीं 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 आप समझे नहीं, सिद्धांत क्या हो, समाधान किया आप अभी, समाधान क्या किया, शंका क्या थी, ये तो कुछ लोग मानते हैं बोला ना, कुछ लोग मानते हैं, इसके ऊपर सहमति नहीं है सिद्धांत की, जो तीन ही संसार का भाव मानते हैं उनके अनुसार ये इसमें सहमत नहीं है उनका, किसमें, ये जो चतुर्था मानते हैं, क्योंकि हमने तो समाधान कर दिया ना, क्या समाधान कर देंगे शंका का, कैसे समाधान किया,
स्वरूप, हाँ स्वरूप संबंधों को लेकर समाधान किया ना, स्वरूप संबंध न होने से हाँ अभाव की प्रतीति नहीं होती है घट रखने पर भी। ये चौथा पे संबंध, ये चौथा अभाव को मानने की क्या जरूरत है, समाधान नहीं हो पाता तो चतुर्थ अभाव मानते आप। आ गया कि नहीं आया? हाँ प्रश्न और कुछ पूछना है तो पूछे। क्या समझ में नहीं आया? सिद्धांति ने किसका समाधान हो गया ना समाधान, ये जो चौथा मानने वाले का क्या अभिप्राय है, ये उत्पन्न हो रहा है विनाश हो रहा है ये बोल रहा कि नहीं? क्या बोला? उत्पन्न हो रहा है और विनाश हो रहा है, ऐसा अभाव है ये। और सिद्धांति क्या बोल रहा है जो नहीं मानता इसको? अरे भाई अत्यंत अभाव तो नित्य ही है वो, उसकी और अभी रहा कि उसकी प्रतीति क्यों नहीं हो रही है। हाँ इसका तो समाधान हो गया। क्या समाधान हुआ? स्वरूप संबंध न होने से घट काल में घटाभाव की प्रतीति, तो घटाभाव की प्रतीति न होने से कैसी बहुत सारी वस्तु है प्रतीति न होने से क्या नहीं मानते हो क्या? बोलिए। हाँ कौन? हाँ उत्पन्न विनाशाली नहीं है ये, कल्पना क्यों करो अतिरिक्त? तो समाधान ये हुआ देखो कि संबंध क्या है, स्वरूप संबंध अभी काल विशेष से विशिष्ट हुआ ना, क्या कहा? काल विशिष्ट, काल विशेष से विशिष्ट स्वरूप, उसको कहेंगे स्वरूप संबंध। उसको आप स्वीकार कर दिया, ये स्वीकार करने से क्या हुआ, घट वाले भूतल में क्या, घट वाले भूतल में घटो नास्ति ऐसी प्रतीति नहीं होती है। क्या रहने पर भी घट रहने पर भी नष्ट हुआ, घट रखने पर घट को जो रख दिया तो घटाभाव नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अरे घट को रख, घट को हटा दिया, अभाव की उत्पत्ति हुई क्या? बोलिए। हाँ जब उत्पत्ति नहीं हो रही है, विनाश नहीं हो रहा है तो कैसे मानोगे उसको? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। तो ये इनका समाधान करता है ठीक है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई प्रमाण नहीं है। हाँ चतुर्थ संसर्ग अभाव होने में कोई प्रमाण न होने से इसमें स्वारस्य नहीं है। सिद्धांति का क्या नहीं है? स्वारस्य मतलब सहमति नहीं है। इसलिए इसी बात को सूचित करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? केचित। केचित मतलब कुछ लोग, कुछ लोग मतलब हम नहीं मानते हैं, ये क्या हुआ ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, व्यवहार नहीं बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि हम ऐसा नहीं मानते, ये हुआ ना ऐ खुद की सम्मति नहीं है। हाँ तब तो कहे ना कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी सम्मति नहीं है तो क्या हुआ, कुछ लोगों की तो है वही तो क्या? हाँ तो क्या है, इसकी सम्मति है नहीं तो क्या हुआ, किसी और की सम्मति तो है। दुनिया भर में कितने सम्मति है। हाँ तो फिर क्या है फिर? हाँ तो प्रामाणिक हो जाएगा क्या? हाँ रोज में बहुत लोगों की सम्मति है, कोई माला मानते हैं तो माला हो जाएगी जी? रस्सी पड़ी है, रस्सी रस्सी मन अंधकार में, हाँ आपको हजार आदमी बोल रहे कि माला है माला है तो माला हो जाएगी नहीं? हाँ तो फिर कैसे माला हो जाएगी? बोलेगे नहीं हमारी सम्मति है, सुनो। हाँ हजार आदमी बोलेगे हमारी सम्मति है तो क्या है, माला हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, एक एक ना होगा प्रमाणिक है और हमारी सम्मति नहीं है तो थोड़ी मान्य होगा, नहीं होगा ना, वही तो कह रहा हूँ आपको तो हमारा प्रामाणिक नहीं होता तो अलग बात है, हमारा तो प्रामाणिक है, आप समझे कि नहीं, ये बोल रहा है।
ठीक है चलो भाई इति केचित। अच्छा हाँ, स्वयं का प्रामाणिक नहीं होता तब तो आपका खंडित हो जाएगा, है ना। स्वयं का यदि प्रामाणिक है तो हजार लोग मानते रहे, क्या आपत्ति है। आप समझ में आए ना, ऐसा चलते हैं। इति केचित आगे देखो, अत्र ध्वंस प्रागभावयोर अधिकरणे, अभी शंका कर रहे देखो है। चलो ठीक है, जिसमें घट ढक दिया, घट का अत्यंत अभाव की बुद्धि नहीं होती है, सुनते हो भाई, है ना। हाँ, लेकिन घट की उत्पत्ति से पहले, ठीक है भाई, क्या है, घट की उत्पत्ति से पहले वहाँ पर तो जो है हैं, घट ऐसा ले लो, घट के घट काल में घट के अत्यंत अभाव की बुद्धि नहीं होती है, ठीक है भाई, हैं, क्या है, घट यदि रख दिया तो वहाँ पर घट के अत्यंत अभाव की बुद्धि नहीं होती है, लेकिन घट की उत्पत्ति से पहले तो होनी चाहिए, क्या, कौन से बुद्धि होनी चाहिए, अत्यंत अभाव की बुद्धि होनी चाहिए, किस समय, जिसमें प्रागभाव है, मतलब क्या कह रहे हैं, जिसमें घट का प्रागभाव है उसमें कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, फिर अत्यंत अभाव की बुद्धि होनी चाहिए, फिर ये शंका है ना। ऐसी शंका होने पर क्या बोलते हैं, देख लो, प्राचीन लोगों का कहना, अत्र ध्वंस प्रागभावयोर अधिकरण है, दो क्या बोलते हैं, जिसमें हैं ध्वंसभाव है हाँ और प्रागभाव है, हाँ ऐसे अधिकरण में है ना, न अत्यंत भाव, वहाँ पर अत्यंत भाव नहीं होता है, सुनते हैं क्या बोलते हैं ये, वहाँ पर अत्यंत भाव नहीं होता है, ये किसका कहना है, यदि प्राचाम मतम, ये प्राचीन नैयाओं का मत है, ये सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, जिसमें ध्वंस का प्राग, ध्वंस का घट का ध्वंसाभाव है, कहाँ पर, मृतिका में, घट फोड़ दिया है, घट फोड़ दिया तो क्या रहा, ध्वंसाभाव हुआ कि नहीं हुआ, हे भगवान, घट को फोड़ दिया तो कौन सा अभाव हुआ, उसको ध्वंसाभाव भाव बोलेंगे, कौन सा भाव बोलेंगे उसको, फोड़ देगा तो ध्वंसाभाव होगा ना, हाँ होगा, ध्वंसाभाव होगा, अरे ध्वंसा भाव को प्रधंसा भाव क्या वाला क्या रामेश्वर तुम भी ध्वंसा भाव को प्रधंसा भाव के अलग अलग है क्या रामेश्वर अब फिर क्या कह रहे तुम रामेश्वर के मत में लगे अच्छा तुम्हारे अनुसार नहीं है अच्छा ध्वंसा भाव अलग है प्रधंसा भाव अलग है वही तो मैं कह रहा हूँ भाव है नहीं नहीं घाट को फोड़ दिया तो कौन सा अभाव हुआ ध्वंसा भाव को जब प्रधंसा भाव को कोई बात नहीं प्र उपसर्ग लगाओ न लगाओ ठीक है तो प्रधंसा भाव कहाँ पर है बोलिए मृतिका में और कहाँ पर है मृतिका में हुआ ना और कहाँ पर हुआ सुनते कि नहीं कौन सा अभाव हुआ प्रधंसा भाव का अधिकरण मृतिका है लेकिन घटो धस्त किसको देखकर बोलते हैं मिट्टी का टुकड़ा को देखकर बोलते हो चूरना है हैं तो चूर्णिका में कौन सा अभाव हुआ प्रधंसा अभाव हुआ आया सच में अच्छा और बनने से पहले कौन सा अभाव था प्रागभाव था प्रागभाव कहाँ पर है मृतिका में ठीक है हो गया तो प्रभाव का अधिकरण मृतिका हुआ हाँ प्रधंसा भाव का अधिकरण मृतिका हुई हुई कि नहीं हुई ठीक है उसी अधिकरण में ये प्राचीन लयों का कहना है ठीक है ध्वंस प्रागभावयोर अधिकरण है ध्वंस अभाव का अधिकरण अथवा प्रागभाव का अधिकरण में न अत्यंत भाव वहाँ पर अत्यंत भाव नहीं होता है अत्यंत भाव नहीं होता किसका कहना है इति प्राचाम मतम
है ना, घट का प्रतीत नहीं होता। क्या जी? घट का अभाव ही दिखता है, मानते नहीं लोग। हाँ, प्राचीन लोगों का कहना नौ अत्यंत अभाव इति किसका कहना है? नव्य नहीं का नहीं, इति प्राचाम मतम, प्राचीन नैयाओं का मत है। आगे कहेगा ना, हेतु कहेगा स्वयं, कौन कहेगा? नैयायिक, प्राचीन नैयायिक, नहीं नहीं प्राचीन नैयायिक, इति प्राचाम मतम। नव्य नैयिक तो आगे बोल देगा, सुनते हैं ना, प्राचीन नैयाओं का ये कहना, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। प्रतिज्ञा वाक्य में नहीं रुकना चाहिए ना, ये ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आगे बढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। ठीक है, यदि प्राचा मतम, ये उनका सिद्धांत हुआ, प्राचीन नैयायिकों का सिद्धांत होता है। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? उनकी युक्ति क्या है वो समझ लो, और क्या है। देखो क्या बोलते हैं वो लोग, श्याम घटे, क्या कह रहे हैं? श्याम घटे, श्याम घट जानते हो ना? हाँ, श्यामदेव, तुम जानते हो श्याम घट को? अरे तुम तो श्याम नहीं हो, कैसे राम रख दिया तुम्हारा नाम श्याम, है ना रामेश्वर? ये तो श्याम नहीं है, इसका नाम कैसे श्यामदेव रख दिया? श्याम नहीं है लेकिन श्याम का देव है वो। अच्छा, ये पढ़ा लिखा लोग ऐसे बोलते हैं, देखो। श्यामा नाम देवो, इसलिए श्याम देव। ठीक कह रहे हो, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। अच्छा, कर्मधारा नहीं है ना, स्वरूप नहीं है उसका, श्याम वर्ण वाले का देव है, श्याम वर्ण वाला जो लोग है उसका देव है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो चलो। श्याम घटे रक्त नास्ते, हैं घड़ा पकने से पहले श्याम घटता है, तो श्याम घटे रक्त नास्ते प्रतीति होती है कि नहीं? हैं, तो श्याम घटे रक्त नास्ते ये बोलते हैं। रक्त घटे श्याम नास्ते, बनने के बाद क्या घट हो गया है ना, तो श्याम नास्ते, श्याम रूप नहीं है। इति धीश्च, ऐसी जो बुद्धि है ना, ये जो बुद्धि होती है ना, प्राग भावम ध्वंसम च अवगाहते, हाँ ये उनकी युक्ति है। ये जो बुद्धि आपको हो रही है ना, इस बुद्धि का विषय जो प्राग भाव होता है, पहला ले लो, श्याम घटे रक्तो नास्ति, क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी रक्त है क्या? रक्त आगे उत्पन्न होगा तो कौन सा अभाव हुआ? हाँ, ये अत्यंत अभाव नहीं है बोल रहा है, ये इनकी युक्ति है। प्रतिदि जो हो रहे है ना, तो श्याम घटेगी नहीं, श्याम घट हो गया अधिकरण, अधिकरण हो गया किसका बताइए? रक्त रूप का, रक्त रूप का अधिकरण कौन हो गया? हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं? ये जो प्रतीति हो रही है श्याम घटे रक्त नास्ति, सुनते हैं ना, ये कौन सा अभाव हुआ? प्रागभाव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया प्रागभाव, तो ये अत्यंत अभाव नहीं है ये बोलता है। ये जो प्रतीति हो रही है, इस प्रतीति का विषय क्या नहीं है? अत्यंत अभाव नहीं है, ये कौन सा अभाव हुआ? प्रागभाव बोल रहा है, इसलिए प्रागभाव के अधिकरण में अत्यंत अभाव नहीं होगा, ये इनका कहना है। युक्ति समझ में आई? और आगे क्या बोल दिया? दूसरा क्या सिद्धांत है बताओ? ध्वंस के अभाव में वहां पर भी अत्यंत अभाव नहीं होता है। देखो रक्त घटे, जब घड़ा क्या हो गया? लाल हो गया, हाँ घड़ा जब लाल हो गया है कि नहीं, तो क्या हुआ देखो, हैं तो रक्त घटे श्याम नास्ति, पहले कौन सा था, कौन सा रूप था? श्याम रूप था, श्याम रूप अभी हुआ कि नष्ट हो गया? नष्ट हो गया, तो श्याम का प्रधंस भाव का अधिकरण क्या हुआ? रक्त घट, तो रक्त घट में रक्त घट किसका अधिकरण हुआ? किस अभाव का? प्रधंस भाव का, तो प्रधंस अभाव का अधिकरण हो गया रक्त घट। इसलिए ये जो अभाव हो रहा है श्याम नास्ति कुत्र रक्त घटे, ये जो अभाव है
हाँ, ये जो प्रतीति हो रही है रक्त घटे श्याम नास्ते, इस प्रतीति का विषय कौन सा भाव है? प्रधान सा भाव है। किसका? श्याम रूप का। इसको अत्यंत भाव नहीं कहा जाएगा, इनकी युक्ति है। हो गया। इति धिश्च, धी प्रथमा एक वचन, ऐसी जो धी हो रही है बुद्धि, धी का अर्थ प्रमाय है, भ्रांति ज्ञान नहीं है, भ्रांति ज्ञान ये नहीं है, प्रमा रूपी ज्ञान है ना। ये जो प्रमारूपी ज्ञान है, ये प्राग भावम ध्वंसम च अवगाहते, प्रागभाव को विषय करता है ये, समझ में ना, और ध्वंसम ध्वंसाभाव को विषय करता है, न तो तद अत्यंत भावम, है ना, इसलिए अत्यंत भाव नहीं है, सुनते हैं ना। हाँ, तयोर विरोधा, भाई दोनों में तो विरोध हो जाएगा ना, कहाँ कहाँ पर है? हाँ, अत्यंत भाव के साथ, मतलब तयोर विरोधा, मतलब ध्वंसा ध्वंसाभाव और प्रागभाव का अत्यंत भाव के साथ विरोध हो जाएगा, तो अध्ययन करो इसमें। हाँ, तयो के बाद किसका अध्ययन करना है? तयो करने से क्या लेंगे? हाँ, समझ में ना। हाँ, इसका विरोध हो रहा है, किसके साथ विरोध हो रहा है? हाँ, अत्यंत भाव के साथ विरोध हो रहा है, ऐसा लगाओ, सुनते हो ना। प्रागभाव का विरोध है किसके साथ? अत्यंत भाव के। और प्रधानता भाव का भी विरोध है, ठीक है ना, ऐसा किसका कहना है? प्राचीन नैयायिकों का कहना है। हो गए भाई, ऐसा बोलते हैं, ये इनका सिद्धांत है। नव्यास्तु, क्या कह रहे हैं? नव्यास्तु, नव्याहा मतलब नव्याहा नैयायिका, नैयायिका वो लोग क्या मानते हैं, देखो, तत्र विरोधे हैं, विरोधे माना भावा हैं, मतलब ध्वंसाभाव और प्रागभाव का अत्यंता भाव के साथ, इतना अध्ययन कर लो, सुनते भाई। तत्र कहने से क्या लेंगे? ध्वंस प्रागभावयो हो, तत्र का तयो हो, सुनते भाई, तत्र का अर्थ तयो हो, तयो कयो हो, ध्वंस प्रागभावयो हो, है ना, विरोधे केना सह, अत्यंता भावेन सह, इतना अध्ययन कर लो। मुआ जतन जी, किसका अध्ययन करेंगे आप? पूरा बोलिए। हाँ, अत्यंत भावेन सह, है ना, विरोधे मतलब विरोध होने में माना भावा, अरे भी कोई इसमें प्रमाण नहीं है तुम्हारे, हाँ, माना भावात, नहीं नहीं माना भावात, भाना दिया है, नहीं माना भावात, माना अच्छा है भाई, प्रमाण नहीं है इनका कहना है, है ना, प्रमाण न होने से ध्वंसादि काला अवच्छेद है ना अपि अत्यंत भावो वर्तते, ये बोलते हैं देखो, है ना, ध्वंसादि काल अवच्छेद है ना, है ना, अत्यंत भावो वर्तते, अत्यंत भाव भी हो जाएगा वहां पर, क्या किसका अत्यंत भाव हो जाएगा? हाँ, ये क्या बोलते हैं, रक्त, ये रक्त का और क्या है, श्याम का भी हो जाएगा, ध्वंसादि अवच्छेद है ना, हाँ ना, ध्वंसादि काला अवच्छेद है ना, ध्वंसादि काला अवच्छेद है ना, एक मिनट, ध्वंसादि काला अवच्छेद है ना, काला अवच्छेद है ना अपनी अत्यंत भाव, एक मिनट, ध्वंसादि कालावच्छेदनापि अत्यंत भावो वर्तते, अत्यंत भाव भी हो जाएगा, ध्वंसादि आदि से लीजिए, प्रागभाव भी ले लो, ध्वंस कालावच्छेदन कालावच्छेदन, चलो इसको कल देखते रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।